आप 100-200 रुपये के प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में जिसकी कमाई आपकी 40-50 रुपये होंगी, उसके लिए किसी फिश का लाइफ के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि जितने डिवर्म करते हैं उतना ही वो वीक होता है कुछ दिन के लिए। फॉर लाइफ फूड, अ बिग नो, प्लीज़ 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 डू नॉट फीड लाइफ फीड। स्विम ब्लैडर, टू बी वेरी फ्रैंक, आज के डेट तक कोई भी इसका हल नहीं है। अगर ब्लैडर में आप पिन घुसा के, नहीं, ब्लैडर में पिन मैंने भी डाला है, फिश रह सकती है। स्विम ब्लैडर से फिश नहीं मरती है, ये मैं लिख के देता हूँ। दूसरा बात, लोग क्या करते हैं कि फिश को रख के एकदम कांच में चिपका देते हैं। उनका जो डाइट, सबसे आइडियल डाइट क्या होना चाहिए? आप सभी नया जो हॉबीस्ट होंगे उन लोगों के लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? सजेस्ट मैं यही करूँगा, सबसे पहला कि आप एक फिश लाते हो, वो फिश का साइज़ 4 इंच का है, और मैं एक फिश लाता हूँ, वो फिश 4 इंच का है। हो सकता है कि आपकी फ़िश की जो डाइट है वो अलग हो, मेरी अलग हो। हर फिश की डाइट एक जैसी नहीं होती, कोई बहुत फसी ईटर होते हैं, कोई बहुत अग्रेसिव ईटर होते हैं। अगर मेरी फिर अगर मैं आप मेरे से पूछो, मैंने ना आपका फिर से कैरेक्टर देखा ना कुछ देखा, मैंने बोल दिया कि आप 10 दाने डाल दो, भले वो उसको 12 दाना चाहिए, 12 पैलेट चाहिए उसको, या उसको 4 पैलेट चाहिए, आप फोर्स फीडिंग कर रहे हो, तो ये सब नहीं। जो नॉर्मल होता है, आप अगर देख लो बॉडी साइज़ में, जैसे बोलते हैं कि पर पैलेट पर इंच, ये सब मत जाओ। आप देखो, पहले फिश लाओ, एक दिन वेट कर जाओ, थोड़ा स्टाफ कर दो उसको, जब आप लाए उसके बाद दिन स्टाफ कर लो उसको, उसको छोड़ दो। फिर आप एक एक, ये ज़रूरी रखो कि जब भी खाना दो 5 मिनट टैंक के सामने बैठो, एकदम से ये नहीं कि आपने दिया और आप भागे। आप एक दाना दो, वो खाया, थोड़ा सा यहाँ आ गया, फिर दूसरा पैलेट डालो, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि वो कितने पैलेट्स में खाना के प्रति उसका इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब वो फुल हो जा रहा है, जहाँ तक का उतना आपको समझ में आ गया। अब उतने ही पैलेट्स को आपको 4 बार में कर देना है, या 6 बार में। आपको सपोज वो 10 खाया तो आपने 40 या 30 ले लिया, अब आपके डाइट के ऊपर है आपका फिश कितना खा रहा है। वो 30 को अब आपने डाइवर्ट कर देना, मतलब लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर देना 4 टाइम या 5 टाइम या 6 टाइम जितना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा खा रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिल रहा है। आप फुल कर दे रहे हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, उसका नेक्स्ट मील आ जा रहा है। तो वो थोड़ा थोड़ा खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, घूम रहा, फिर रहा है, फिर उसको भूख लग रहा है, फिर थोड़ा वो खा रहा है। ये प्रैक्टिस कीजिए वीकली, बहुत ज़रूरी है एक दिन स्टाफ करना। ये ज़रूरी इसलिए बोल रहे हैं कि आपका ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगा, और जिस दिन आप स्टाफ करो उसी दिन आप वाटर चेंज कर लो। दैट इज़ द बेस्ट, लाइक व्हाट टू से, लाइक बेस्ट प्रैक्टिस। प्लस पैलेट्स पे रखो फूड को, पैलेट्स पे इसलिए रखने बोलते हैं, बहुत लोग ब्लड वर्म्स में ज़्यादा ब्लड वर्म्स खिलाते हैं, बहुत लोग बहुत श्रिम्प खिलाते हैं, बहुत लोग चिकन लीवर वगैरह। आई से नो टू चिकन लीवर, क्योंकि आप सोचो फिश को चिकन लीवर मिलता कहाँ से, उसको तो वो तो नहीं मिलता है। हालांकि चलो ये हाइब्रिड भी है, तो वैसे ही लो ना। अगर आप ब्लड वर्म्स भी दे रहे हो तो आपको समझ के देना है, एक अच्छा क्वालिटी का ब्लड वर्म्स लो, आप वीकली 3 दिन खिलाओ उसको, जिस दिन ब्लड वर्म्स हो उस दिन आप पैलेट्स से मत जाओ, ये सब हैबिट रखो। पैलेट्स, बहुत लोग सोचते हैं कि पैलेट्स नहीं खिला के मैं सिर्फ ब्लड वर्म्स में जाऊँ। सी, आपका ब्लड वर्म्स पैलेट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट आपका पैलेट्स ब्लड वर्म्स को रिप्लेस कर सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जब भी पैलेट्स खिला रहे हो, पैलेट्स में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, कलर के लिए है, उसके विटामिंस है, B6 है, B12 है, जो भी है, D13 है, जिंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पैलेट्स में ही मिलेंगे, बट आपको ब्लड वर्म्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलने वाला है, और थोड़ा सा कलर का इन्हांसर जो मिलेगा वो बहुत कम रहता है, ना ही उसमें फाइबर है ना ही कुछ, तो ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो आप एक बैलेंस डाइट आप बोलना चाह रहे हो, एग्जैक्टली संतुलन, एग्जैक्टली। श्रिम्प आप दे सकते हो, वीकली 2 दिन दो, वो सब चलेगा, बट पहले ज़रूरी है और स्टार्विंग ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत लोग हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, रियली आई फील वेरी बैड फॉर देम, क्योंकि वो बोलते हैं कि हर वीक वो बोलते हैं कि आप डीवर्म करवाइए अपने फिश को, बट डीवर्म कराना है हर वीक ये कोई मतलब नहीं है। आप 100-200 रुपये
के प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में जिसकी कमाई आपकी 40-50 रुपए होंगी, उसके लिए किसी फिश का लाइफ के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि जितने डिवर्म करते हैं उतना ही वो वीक होता है कुछ दिन के लिए फिश। तो जब तक आपके फिश को कोई भी ज़रूरत नहीं है, तब तक कोई किसी भी तरह के मेडिकेशन मत कीजिए, किसी भी तरह के। आप अगर सब कुछ ठीक है, आप क्यों डॉक्टर के पास जाइएगा? आपका सर दर्द नहीं, आप क्यों साइडोन खाइएगा? आपका पेट ठीक है, आप क्यों प्रिकॉशन? हाँ, आप ऐसा कीजिए कि आपको वो हद तक जाना ही नहीं पड़े। अच्छा डाइट दो, अच्छा पानी रखो, टाइम टू टाइम रेगुलर वाटर चेंज करो, स्टाफ में रखो, ये सब दिक्कत नहीं आती है। लाइव फीड भी खिलाते हैं, गप्पीज भी खिलाते हैं, तो इज इट नो लाइव फूड? नो लाइव फूड, अ बिग नो। प्लीज़ 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 डू नॉट फीड लाइव फीड, एकदम मत फीड कीजिए। लाइव फीड से आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन ही मिलेगा। ब्लड वन से प्रोटीन ले सकते हो, अच्छे फीड से प्रोटीन ले सकते हो, अच्छे प्लेट से प्रोटीन ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो यार, सिंपल सा बात है, अगर सब चीज़ छोड़ दो, एक चीज़ सोचो, आप एक फ़िश पाल रहे हो, फिश के प्रति आपका प्यार है, और उसको आप लाइव फिश खिला रहे हो, मज़ा नहीं आता। फिश भी खिला रहे हो, वो भी ये भी बात है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने का। हाँ, प्लस पैरासाइट तो होगा ही, आज नहीं कल आपको दिक्कत देगा। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे मेरा फिश तो ये खाता है, कुछ नहीं होता है। तो भाई साहब, बहुत चीज़ों को बहुत कुछ सूट कर जाता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं करता है, बस सिंपल सा बात है। ये बोलिएगा कि फ्लावर होम तो हम लोग जानते हैं कि डिजीज तो बहुत सारा होता है, लेकिन मेन उसमें तो मेरे ख्याल से पेट का प्रॉब्लम, वाइट पूप से लेके ब्लोटिंग, तो थोड़ा उसके डिजीज के बारे में बोलिएगा ना, टू डिजीज, फिर वो डिजीज किस तरह से उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि ना हो, और अगर हो जाए तो फिर उसको हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं? देखिए, डिजीज का बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहला तो मैं जो बिलीव करता हूँ कि हमें फिश को वहाँ तक पुश ही नहीं करना चाहिए जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट लगे। कोशिश करना है, सी बोलते नहीं कि प्रिकॉशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो अगर मैं शुरू से बोल रहा हूँ तो आपको समझने में सुविधा होगा। अगर आप कहीं से फ़िश लेके आ रहे हो, या आपने आउट स्टेशन से मंगवाया या यहीं से ख़रीदा, और आके आपका फ़िश वाइट पूप कर रहा है, एकदम से आपको मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करना है। वो आपको पहले डायग्नोस करना है कि वो स्ट्रेस के साथ कर रही है, या उसको पैरासाइट है, या वर्म्स हुए हैं, वो आप एक दिन वेट कर जाओ। इनफैक्ट मैं तो देखिए अपना, हालांकि फ्लावर होम का नहीं, मैं एक डिस्कस खरीदने के समय बाहर से डिस्कस आ रहा था, मेरा इस तरह का भी एक्सपीरियंस तो था, क्योंकि वो समय में मैं भी थोड़ा सा, मुझे 100% थोड़ा पता नहीं था, तो ब्रीडर ने मुझे वही बोला था कि वो बाहर से मेरा डिस्कस आए थे और वो वाइट पूप कर रहा, स्ट्रेस से करता है, बोला था वो स्ट्रेस से भी होता है। बिल्कुल, देखा कि हाँ, दो दिन के बाद या ज़्यादा से 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि लोग पैनिक होके एकदम किसी से पूछेंगे, और हमारे महान महान लाइक MBBS लोग बैठे हुए हैं, और इसको डीवर्म करवा दो। भाई वो फिश अभी आया है, और स्ट्रेस में है, आप डीवर्म दे रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो तो पानी में ऑक्सीजन कम हो रही है, फिश और भी स्ट्रेस में जा रहा है, नहीं करने का है। आप थोड़ा सा उसको वेट कर लो, एक दिन देख लो कि वो कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं। अगर एक दिन भी कंटिन्यू कर लिया, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, एक वाटर चेंज मार देना है, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड कर देना है, या आपके पास कुछ भी लाइक स्ट्रेस की चीज़ें हों वो आपको डाल देना है। उसके नेक्स्ट दिन अगर करने लगा, फिर आप ट्रीटमेंट में जा सकते हो, माइल्ड ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, हर फिश का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है। आपको पहले पता लगाना है कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, आप सेलर से पूछो कि आपके पास कितने दिन से फिश है। अगर आप सेलर से पूछो कि आपके पास क्या खाती थी, अगर उसके पास ज़्यादा दिन से है, अगर नहीं होता है तो फिर आप माइल्ड से स्टार्ट कर सकते हो, मेट्रोजिल से स्टार्ट कर सकते हो, वाइट पूप हो रही है तो वो आराम से निकल जाती है। तो मेट्रोजिल का अगर आप बात करोगे, सी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपकी फिश कितनी स्टेज में है, कितना वाइट पूप कर रही है, वो सब देखिए। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 100 लीटर में आप 400 mg चार्ज करो या 400 mg चार्ज करो, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आपको पहले जिससे भी आप पूछ रहे हो, पहले उनको बताओ चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, आप 10 जगह से पूछो मत। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आप तो कर रहे हो, लेकिन आप सोचो ना, फिश सफ़र कर रही है। फिर बहुत लोग ये सोचते हैं कि आज मैंने किया कल वो ठीक हो जाएगा, नहीं, ये ठीक होते होते वक्त लगता है। इसके लिए प्रिकॉशन में क्या है कि आप जो भी उसको खिलाओ, आप उसमें देखो कि वो फूड कैसा है। अगर ब्लड वर्म्स खिला रहे हो तो अच्छा ब्लड वर्म्स खिलाओ, ये नहीं कि एकदम आपने लाइव ब्लड वर्म्स खिला दिया उसको डिसइंफेक्ट किए बिना, उसमें दिक्कत होता है। अगर आपने गप्पी वप्पी जैसे दादा बोले थे, उसमें वो दिक्कत होगा। अगर आप प्रॉन भी खिला रहे हो तो एक हद तक खिलाइए। आपको समझना चाहिए कहाँ पे आपका ब्रेकिंग पॉइंट है फिश का, कितना देर खाने के बाद क्या वो उसका करेक्टर बैठ जा रहा है, कि वो डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं,
ये सब देखना है, वाटर अच्छा रखिए तो आपका फिश का इम्यून सिस्टम ऐसे ही उठा रहेगा। आप ये सब से बचने के लिए सबसे पहला जो कर सकते हैं वो है आपका फिश का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। अगर आपका फिश का इम्यून सिस्टम ठीक है तो उसको जल्दी से कोई भी रोग नहीं लगेगा। और अगर जो कोई फिशेस का अगर ब्लोटिंग हो जाए तो उसका आप एकदम आप देखिए ब्लोटिंग, ब्लोटिंग में क्या है ना, ब्लोटिंग दो तीन टाइप की हो गई। ब्लॉट ब्लॉट फिश कब होता है, जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, पू करने में उसको दिक्कत होती है, तब वैसा फूड काम आता है जिसे फाइबर ज़्यादा होता है, तब प्रोबायोटिक्स काम करती है। जैसे हमारे फूड में है, बहुत सारी कंपनी के फूड में है, हमारे मल्टीविटामिन्स में उसे प्रोबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो प्रोबायोटिक्स का काम ही होता है कि वो पेट में जाके वो डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छा से वो फंक्शन करवाता है, तब फिश का पूप आना स्टार्ट होता है। अगर आपके फिश को ब्लोट हुआ है, आप वेट कीजिए, वाटर चेंज कीजिए, रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए। रॉक सॉल्ट ऐड करने से आपका फिश स्ट्रेस से इसलिए निकलता है क्योंकि उसका पेट थोड़ा सा ठीक रहता है, और पेट ठीक रहेगा तो फिश ठीक रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए हल्का हल्का, वो पूप करेगा, अगर पूरा पूप नहीं निकलता फिर आप मेडिकेशन में जाइए, सेम मेट्रोजिल जैसा मैंने बोला। उसके बाद बहुत सारा फिश उलट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर टू बी वेरी फ्रैंक, आज के डेट तक कोई भी इसका हल नहीं है, कोई भी मेडिकेशन नहीं है। लेकिन एक फ्रेंड है अपना ज़ियोन हॉर्न फैक्ट्री करके, जो फेसबुक में ही जानते होंगे, ज़ियोन हॉर्न फैक्ट्री डूइंग अ ग्रेट जॉब। 10 मच्छी में से तो एक दो मच्छी की सर्वाइवल रेट आ गई है, अच्छा काम कर रहा है बंदा, हो जा रही है। लेकिन अगर ब्लैडर में आप पिन घुसा के, नहीं ब्लैडर में पिन मैंने भी डाला है, फिश रह सकती है। देखिए ब्लैडर में पिन डुकाने, वन हैज़ टू नो द एनाटॉमी, फिश का ये नहीं है, वही बात है। लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में सुई चुभो दिए, ये चुभो दिए, ऐसा नहीं है। पहले आपको एक्सरे लेना होगा फिश का, एक्सरे लेके देखना होगा कहाँ पे उसको दिक्कत हुआ, वहाँ पे आपको पंक्चर करना है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप अगर कहीं पे भी ले जाओगे मैं फिश का एक्सरे करो तो कोई नहीं करके देगा आपको, ठीक है। तो आपको अंदाज में करना होगा। अब सोचो आपको पता नहीं कि स्विम ब्लैडर है क्या, आप उसका ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपसे बड़ा स्टूपिड कौन है। दूसरा बात, लोग क्या करते हैं कि फिश को रख के एकदम कांच में चिपका देते हैं। स्विम ब्लैडर से फिश नहीं मरती है, स्विम ब्लैडर से फिश नहीं मरती है, ये मैं लिख के देता हूँ। फिश मरती कब है, जब वो एक साइड पड़ गई है, स्विम नहीं कर पा रही है उस हिसाब से। वरना देखिएगा बहुत फिश को स्विम ब्लैडर है, तीन तीन महीने तक पड़ी है, खा रही है फिर चली आ रही है, एकदम वो बैलेंस लूज कर जाती है। मरने का रीज़न स्विम ब्लैडर है, वो इरिटेशन हो जाता है, उठ नहीं पा रही है वो, और आप उसको और दबा रहे हो और स्ट्रेस दे रहे हो, तो फिश कहाँ से रहेगी। स्विम ब्लैडर होता है तो कोशिश कीजिए कि आप मैग्नीशियम सल्फेट से काम कीजिए, अगर उससे थोड़ा सा हो जाता है तो गुड लक, वरना बहुत कम लाइक सर्वाइवल रेट है। तीसरा एक एक सब फिश के लिए है, इसके लिए भी है, तो एक के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। ये बहुत बार देखा गया है कि फिश को एक हो गया, वाइट वाइट स्पॉट आपके दिख रहे हैं, आप लोग क्या करते हो, देन एंड देन एकदम नमक डाल देते हो और एकदम लाइक बूस्टअप कर देते हो थर्मोस्टैट को। बट एक का क्या है, एक मरता नहीं है, एक का एक साइकिल होता है, ठीक है। एक को जितना हीट मिलेगा वो उतना जल्दी उसका साइकिल वो कंप्लीट करेगा। तो आप सोचो आपके फिश में आज आपने वाइट स्पॉट देखा विच इज़ वेरी स्मॉल, और उसको इरिटेशन होने लगा, स्टार्टिंग रबिंग, बार बार रब कर रहा है, जहाँ तक आपको समझ में एक है। अब आपने देन एंड देन उसको बूस्टअप कर दिया उसका थर्मोस्टैट को, तो वहाँ पर क्या दिक्कत आ गया कि वो बहुत जल्दी उसका साइकिल बढ़ गया और वो फिश को ज़्यादा इरीटेट करने लगा, फिश की डेथ होती है। तो उसको हल्का सा बूस्टअप कीजिए, एक तीन दिन में अगर जाएगा तो उसको चार दिन तक लेके जाइए या दो दिन में लेके आइए, एकदम से ठीक करने का कोशिश मत कीजिए। आप बोलना चाह रहे हो कि वो जो टेम्परेचर बढ़ाना है हल्का मिनिमम स्लाइडली लेके जाइए, स्लाइडली लेके। आप सोचिए ना कि आपको ठंड लग रही है, एक बात है आपको एकदम ठंड लग रही है, फ्रीज हो रहे हो, और आपको मैंने एकदम आइस चिल पानी में घुसा दिया, आपका हालत क्या होगा सोचो। देखिए एक को तो एक्चुअली आपको टेम्परेचर ज्यादा देना ही है, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर से ही एक्चुअली एक मरता है। नहीं तो पर आप बोल रहे हो कि वो एक एक ही बार में बहुत ज्यादा बूस्ट अप नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा देखिएगा ना, आप जब भी एक हो रहा है छोटा, आप जैसे ही थर्मोस्टेट बहुत दे रहे हो तो एक बड़ा हो जाता है, सादा सादा बहुत ज्यादा कॉटन वूल दिखने लगता है, उससे फिश को ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। तो आराम से उसको होने दीजिए, वो लग गया है तो आप, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिश को लेके हम लोग उसका स्लाइम निकाल देते हैं, मतलब वाइप कर दिए, ठीक है। तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको, वो मैंने किया उसके बाद मैंने डाल दिया। बहुत लोग करते हैं पोटासियम परमैंगनेट, वो दे दिए उसका एक बात दे दिए, लेकिन पोटासियम परमैंगनेट जब भी आप एक में यूज़ कर रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जितना कम आप पोटासियम यूज़ करो, क्यों,
पोटेशियम स्किन जलाती है, सलाइवा को पूरा आप थोड़ा ज्यादा दे दोगे तो गिल से लेके फिन तक पूरा बर्न। अब सोचो आपने एक ऑलरेडी उसको इक हो चुका है, आपने डाल दिया, वो तो इक को पकड़ा, चमड़ा को पकड़ा, बहुत जोर से पकड़ लिया, फिश का स्किन खराब हुआ। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इन दिस वे वी आर वाइंडिंग अप टुडेज वीडियो। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्लावर ऑन कीपिंग।